हरियाणा के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आज 22 सितंबर को वर्ल्ड कार फ्री डे मनाया जाएगा। इसके तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम हाउस से साइकिल की सवारी करके अपने कार्यालय सिविल सचिवालय पहुंचे। इस मौके पर मनोहर लाल ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के लिए पूरे विश्व में 22 सितंबर को वर्ल्ड कार फ्री डे मनाया जाता है। पहले भी साइकिल पर जा चुके हैं मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पिछली बार भी चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास से सचिवालय तक साइकिल चलाकर गए थे, जिसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। ट्वीट में लिखा था कि साइकिल चलाकर जाना सुखद अनुभव रहा। वर्ल्ड साइकिल डे है और साइकिल स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। साइकिल परिवहन का एक सरल, किफायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरण संरक्षण रूप से उचित एवं टिकाऊ साधन भी है। दो पहिया वाहन की सवार को व्यायाम बताया मनोहर लाल खट्टर ने। जी हां, साइकिलिंग पर बोलते हुए कहा कि यह ऐसा व्यायाम है जिसे हर रोज बस कुछ मिनट करके आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। अतः वर्ल्ड साइकिल डे से ही साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। आजकल की दिनचर्या में अगर आपको स्वस्थ रहना है तो साइकिलिंग से बेहतर शायद ही कोई एक्सरसाइज होगी। इसी के तहत आज एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्ल्ड कार फ्री डे के अवसर पर चंडीगढ़ निवास से हरियाणा सचिवालय तक साइकिल से सफर किया। मित्रों, आज 22 जुलाई न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के दर्जनों देशों ने इसको सन 2000 में इस दिन को फ्री कार डे मनाने का एक संकल्प लिया था और लगातार इन देशों की संख्या उसमें बढ़ रही है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं कि प्रदूषण जैसे बढ़ रहा है तो पर्यावरण की सुरक्षा ये उसमें एक आवश्यक पहलू है। बहुत से कार्यक्रम पर्यावरण सुरक्षा के चल रहे हैं, उसमें एक ये है कि कम से कम एक दिन लोग अपने डीजल के, पेट्रोल के वाहनों पर न चलें। कार फ्री डे एक संकेत के रूप में उसका नाम रखा गया है, लेकिन असल में डीजल, पेट्रोल, इस पर चलने वाली गाड़ियाँ ये कम हों, ई वाहन वो ज़्यादा ज़्यादा चलें, लोग साइकिलों का उपयोग करें, लोग पैदल चलें, ताकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रदूषण की भी कमी आएगी। क्योंकि हम जैसा देखते हैं दिन ब दिन जैसा प्रदूषण बढ़ रहा है उसके कारण से वायुमंडल में ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही है, और हमने अनुभव किया कोविड के दिनों में कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से बहुत बड़ी संख्या में लोग कोविड से आक्रमण यानी एक प्रकार से प्रभावित हो गए। उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई तरह तरह के तरीके ढूंढ करके उनको करनी पड़ी। लिक्विड ऑक्सीजन बहुत जगह से ट्रांसपोर्ट करके हम अपने हरियाणा में लाए। हरियाणा में दो ही केंद्र ऐसे बड़े केंद्र हैं जहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन को मिलती है, बाकी छोटे छोटे केंद्र हैं, लेकिन ज़्यादा आवश्यकता होने के कारण से हमने नॉर्थ ईस्ट के जो इंडस्ट्री है जहाँ ऑक्सीजन बनती है वहाँ से भी इसको यानी एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट करके लाए। हवाई जहाज़ों का भी जो खाली टैंकर हैं ऑक्सीजन के लिए वो हमने लिफ्ट करके भेजे, ट्रेन्स के द्वारा भी उपयोग करके उनको यहाँ लाया गया। प्राइवेट एजेंसियों ने भी उसमें बहुत बड़ा योगदान किया। ऑक्सीलेटर बाहर से विदेशों से हमने मंगवाए, कंसेंट्रेटर भी बाहर से मंगवाए, और इस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी इसको हम न रहने दें हमने भरपूर उसका उपयोग किया और हमको सफलता भी मिली। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।